क्या लूँ हेडफोन? आवाज़ तो अच्छी मिल जाएगी लेकिन यार महंगा काफ़ी ज़्यादा आता है। ये ईयरबड लेना चाहिए आई थिंक, लेकिन यार ईयरबड्स में भी साउंड क्वालिटी तो अच्छी मिल जाएगी लेकिन फिर नॉइज़ कैंसलेशन कॉलिंग में दिक्कत करेगा। हाँ ये सही है, नेक बैंड। बैटरी का भी तो इशू है यार, ज़्यादा देर तो चलेगा भी नहीं। तो क्या मतलब अब सिर्फ वायर्ड ईयरफोन के साथ रहना पड़ेगा? तो और बताओ यार कैसे हो, उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हो गए। यार वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपसे कहा था कि थर्सडे फ्राइडे में एक स्पेशल वीडियो आने वाला है हमारे चैनल पे, लेकिन वो एक्चुअली में शूट ही नहीं हो पाया। मैं थोड़ा बिजी था क्योंकि मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था और मेरे एग्जाम्स लगे हुए हैं, जिस वजह से मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन यार कोई बात नहीं, मैं आपको इस बार जो वीडियो ज़रूर दूंगा वो, और आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है वो वीडियो, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। लेकिन आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप सभी के लिए, जिसको भी ये जो ईयरफोन्स में या नेक बैंड में या हेडफोन या ईयरबड्स में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं एक्चुअली में। क्योंकि यार कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा ईयरफोन लें, वायर्ड ईयरफोन या वायरलेस ईयरफोन। अगर वायरलेस ईयरफोन लें तो भाई उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि नेक बैंड भी आता है और हेडफोन भी आता है, वहां पे ईयरबड्स भी आते हैं, तो भाई इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए या फिर वायर्ड ईयरफोन के साथ जाना चाहिए। अब भी वायर्ड ईयरफोन तो बहुत पुराने हैं, ये तो हमेशा से यूज होते आ रहे हैं, लेकिन अब ट्रेंड जो चल रहा है भाई वो नेक बैंड का है, हेडफोन का, ईयरबड्स का है, तो इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि कॉलिंग भी हमें करनी होती है, म्यूजिक भी अच्छा चाहिए। तो सारे डाउट आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं मैं, सिर्फ 3 स्टेप में आपको सारी बातें बताऊंगा। अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो कर लेते तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो दोस्तों वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूं, जो कुछ भी ज्ञान देने वाला हूं, उसको जानने से पहले आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि भाई आपको मेरी क्यों सुननी चाहिए। तो यार सबसे पहली बात तो यार मैंने हेडफोन भी यूज किया हुआ है, ये है बोट का रॉकर 600, और इसके अलावा मैंने JBL के हेडफोन यूज किए हुए हैं, स्कल कैंडी के भी यूज किए हुए हैं, साथ में मैंने ये ईयरबड्स भी यूज किया हुआ है और नेक बैंड भी मैंने यूज किए हुए हैं। तो यार ये सारी चीजें मैंने पर्सनली यूज करी हुई है, एक्सपीरियंस किया है अलग अलग कंपनीज अलग अलग ब्रांड्स में, और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है उसके बिहाफ पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। तो इसीलिए आपको ये मेरी बातें माननी चाहिए क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो में बने रहिए, फटाक से वापस आते हैं। तो यार सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास एक वायर्ड ईयरफोन होना कंपलसरी है। और यार ये 100-150 रुपए वाले ईयरफोन्स बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि ये जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं ये सब में है जो बहुत चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म पे आपके ईयर डैमेज हो सकते हैं, आपके कान खराब हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 400-500 रुपए तक में आपको अच्छी कंपनी के ईयरफोन्स मिल जाते हैं। आपको अगर पास ईयरफोन नहीं है अच्छी तो आपको सबसे पहले इस पर ही स्पेंड करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि बेस्ट ईयरफोन कौन से हो सकते हैं तो मैंने आई बटन में लिंक डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी जाके आउट कर सकते हो जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो। और वायर्ड ईयरफोन्स आपके लिए क्यों जरूरी है इसका रीजन आपको 3rd स्टेप में पता चल जाएगा। चलते हैं 2nd स्टेप की तरफ, जहां पे बात हो रही है वायरलेस ईयरफोन्स की। यहां पे बेसिकली 3 कैटेगरीज निकल के आती हैं, पहली तो नेक बैंड, दूसरा ईयरबड, तीसरा हेडफोन। तो और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार भगवान माफ नहीं करेगा यार, बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। वीडियो को प्लीज लाइक कर दो यार, दिल से सुकून मिलता है यार, लाइक कर देना ठीक है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन सा खरीदें। तो सबसे पहले तो आपको अपना पर्पस समझना होगा कि आप कॉलिंग के लिए खरीद रहे हो या म्यूजिक के लिए खरीद रहे हो, सॉन्ग सुनते हो ज्यादा, मूवीज ज्यादा देखते हो, किस पर्पस से आप खरीद रहे हो। अगर आपका म्यूजिक पर्पस है, गाने वगैरह ज्यादा सुनते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हेडफोन पे ही परचेज अपना करो, हेडफोन पे ही अपना स्पेंड करो, क्योंकि हेडफोन्स में जो बेस मिलता है, जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो बाकी किसी में नहीं मिल सकती उतनी अच्छी। तो सबसे बेस्ट होते हैं हेडफोन्स, लेकिन यार ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, 1500-2000 के अप्रॉक्स आते हैं जो अच्छे होते हैं, डिसेंट क्वालिटी के जो होते हैं। तो यार अगर आप इतना बजट है तो आप इनको ही खरीदो, अदरवाइज आप यहाँ पे नेक बैंड खरीद सकते हो। नेक बैंड थोड़े सेफेस्ट मुझे फील होते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉइस क्वालिटी वगैरह अच्छी मिल जाती है, साथ में आप गले में टांग लेते हो, और अगर आप रनिंग वगैरह भी कर रहे हो तो आपके कान से गिरते नहीं, अगर कान से निकल भी गए तो भी आपके गले में ही अटके रहते हैं, ये सबसे अच्छी चीज होती है। क्योंकि यार यहीं पे जो ईयरबड्स है वहां पे मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी, क्योंकि मैं जब भी रनिंग वगैरह करता हूं तो कान में जो ग्रिपिंग होती है वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है और बाहर आ जाती है, तो यार ये चीज थोड़ी सी इशू होता है। तो अगर आप ये सब चीजें देखते हो तो मैं सबसे सजेस्ट करूंगा कि आप हेडफोन खरीदो, अगर हेडफोन नहीं लेना चाहते हो तो नेक बैंड के पास जा सकते हो। अब आती है बात कॉलिंग की, कॉलिंग में सबसे बेस्ट जो इन तीनों में है वो है नेक बैंड। नेक बैंड का इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि भाई देखो यहाँ पे माइक यहाँ पे पास में मिलता है, और जब आप इसे यूं पहनते हो और आप कान में इसको लगाते हो कुछ इस तरह से, तो भाई क्या होता है कि ये माइक जो है आपके मुंह के पास रहता है, जिससे कि आपकी जो भी वॉइस है वो इजिली सामने वाला सुन सकता है जब भी आप कॉलिंग पे बात करोगे। लेकिन उसी जगह पे अगर आप
हेडफोन वगैरह यूज करते हो या ईयरबड यूज करते हो तो वो आपके कान के पास यहाँ पे माइक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो कुछ भी बोलते हो वो कैच करने के लिए उसे थोड़ा सा दूर से जाना पड़ता है, तो आपकी आवाज सामने वाले को थोड़ी स्लो सुनाई देती है, जिसके लिए आपको थोड़ा तेज बोलना पड़ता है, और इसी वजह से नॉइस कैंसिलेशन भी इनमें इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कॉलिंग पर्पज से लेना है तो भाई आप नेक बैंड लो, अगर आप है जो म्यूजिक वगैरह के पर्पज से ले रहे हो तो आप हेडफोन की तरफ जा सकते हो, अगर आपका उतना बजट नहीं है तब आप नेक बैंड या ईयरबड्स की तरफ जाओ। अब बात आती है तीसरे स्टेप की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यार देखो आप कोई भी ईयरबड ले लो या नेक बैंड ले लो या हेडफोन ले लो, सब में बैटरी होती है, सब में एक टाइम होता है कि भाई इतने टाइम ड्यूरेशन तक ही ये चलेगा, उसके बाद आपको अगेन इसे चार्ज करना पड़ता है। तो यहीं पर बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वायर्ड ईयरफोन, जो कि मैंने आपसे कहा था पहले भी कि वायर्ड ईयरफोन ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वायर्ड ईयरफोन में आपको कोई बैटरी वगैरह नहीं देनी पड़ती है, कोई बैटरी नहीं है, कोई चार्जिंग का कोई इशू नहीं है, माइक भी इसमें अच्छा मिलता है, कॉलिंग वगैरह की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, साथ में बाकी के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर पाओगे कि भाई आपने आज चार्ज किया हुआ है, आप यूज कर रहे हो और बैटरी डाउन हो गई, उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन आप उसे चार्ज में लगा दोगे, लेकिन उस जिस टाइम पे आप उसे चार्ज में लगाओगे, अगर उस टाइम पे आपको कोई काम करना है, अगर आपको गाना सुनना है, मूवी देखना है या किसी से बात करनी है, तब आप क्या करोगे, तब आपके काम आएगा एक वायर्ड ईयरफोन जिसमें कोई बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप उसे जब चाहे तब यूज कर सकते हो, जिस काम के लिए यूज करना चाहो कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वायर्ड ईयरफोन होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी अपनी बैटरी लाइफ है, आप बार बार उसे चार्ज करते हर वक्त नहीं रह सकते हो, कभी ना कभी बैटरी डाउन हो जाएगी, आपको नहीं ध्यान रहेगा, उस टाइम पे आपके काम आएगा ये वायर्ड ईयरफोन। तो यार उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, वायर्ड ईयरफोन वायरलेस ईयरफोन्स में कौन सा लें, नेक बैंड हेडफोन या ईयरबड, सारे डाउट्स आपके मैंने दूर कर दिए होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक कर दिया करो यार, दिल को सुकून मिलता है यार, लाइक कर देना ठीक है, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।